नमस्कार तिरंगा टीवी रो ए नूतन कार्यक्रम को स्वागत करुछी मु शुभेंदु डिगल। आज होउछि विश्व स्वपरायणता दिवस वर्ल्ड ऑटिज्म डे। समाज रे ऑटिज्म भलिया व्याधि जहाँ को लोक मैंने सचेतन हूँ बुझी पारंतु आउ सबुठ बड़ कथा हला यार अति सहज भाव यार निराकरण रही प्रोफेशनल्स भी अच्छा से उद्देश्य नहीं कि आमर ए छोटिया कार्यक्रम प्रयास तो चलतु आम जीबा आउ भाग नबा डिस्कशन रे भाग नबा जानिबा ऑटिज्म कौन आउ ता निराकरण किपली भाबरे हे परिबो। थैंक यू शुभेंदु। तो आज हमारे साथ हैं संबित नंदा सर, एमिनेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ लर्निंग क्लिनिक शहीद नगर, स्वरूप मिश्रा सर, SLP एंड ऑडियोलॉजिस्ट द स्फीयर सेंटर, इवन वर्टिगो स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रेन, पिंकी दास मैम, अ प्राउड मदर एंड अ स्पेशल एजुकेटर इन कैश सेंटर, दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फ्रॉम निमपेड, स्मरणिका मिश्रा मैम, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, को फाउंडर एंड डायरेक्टर इन द स्पेयर क्लिनिक। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, क्या आप जानते हैं उस बच्चे की तकलीफ जो सबके साथ घुल मिल नहीं पाता, कहीं अकेले बैठता है या फिर वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। बस उसी के कुछ फीलिंग्स मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। हर सुबह एक अलग नए सपने सजाता हूँ, शाम तलक उन्हें खुद ही भूल जाता हूँ, है मेरा भी कोई अपना ये सबको बताता हूँ, पर हूँ सच में अकेला ये सबसे छुपाता हूँ, मिलेगा मौका हंसने का तो सोच के गम भुलाता हूँ, मिट्टी भर खुशियों के लिए भी फिर भी तरस जाता हूँ। तो आइए पूछते हैं संबित नंदा सर से। ही इज़ अ एमिनेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम लर्निंग क्लिनिक। जनरली हम देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, ऑटिज्म पहले जैसे अभी ऑटिज्म डे आज है, यहाँ डिस्कशन हो रहा है, बहुत जगह पर डिस्कशन आज होगा, मीटिंग होगा, लेकिन वेरी क्लियर थिंग है कि ऑटिज्म इज़ नॉट अ डिजीज़। ये पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए या फिर अवर सोसाइटी को समझना चाहिए। ऑटिज्म इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ मेंटल कंडीशन ऑफ ए चाइल्ड। जो चाइल्ड का सही रूप से मानसिक विकास नहीं होता है एंड कहीं पर डेवलपमेंट किसी किसी जगह रोक जाता है। सो दे हैव सम कॉमन थिंग्स लाइक अदर चिल्ड्रेन, दे हैव मोर अनकॉमन थिंग्स ऑल्सो फॉर देयर नॉर्मल एज ग्रुप अदर चिल्ड्रेन। इसीलिए ऑटिस्टिक चाइल्ड का बिहेवियर जो बोल रहे हैं कुछ अस्वाभाविक है, सम ऑड्स मूवमेंट्स ऑड बिहेवियर्स दे हैव, बट इट डजंट मीन कि वो कम नहीं होगा, उसका कुछ ठीक नहीं होगा, ये सब हो पाएगा, लेकिन इट नीड्स ए टीम वर्क। सब पेरेंट्स को सही जानकारी नहीं है, वो इसके बारे में इतना पढ़ाई नहीं किए हैं, इसीलिए इफ़ दे गो टू एनी प्रोफेशनल्स लाइक साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरापिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और ए गुड पेडियाट्रिक डॉक्टर जिनको मालूम है इसके बारे में और ए स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो मे बी, दे कैन गेट सम हिंट्स कि मेरा चाइल्ड का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑटिज्म और एक प्रॉब्लम बड़ा बात पेरेंट्स को जानना चाहिए कि इफ़ ए चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म, सब ऑटिज्म के चाइल्ड का प्रॉब्लम एक तरह का नहीं होता है, दे हैव मेनी वेरिएशंस। इसीलिए पहले प्रोफेशनल के साथ उनको डिस्कशन करना चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग टू नो वेयर द चाइल्ड स्टैंड, उसका प्रॉब्लम एक्चुअल है कि नहीं, अगर है तो किस लेवल पे है, और फिर वहीं से एक जर्नी स्टार्ट होता है। तो अब मैं पूछना चाहूँगी कि हम बात करें ऑटिज्म में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की, तो मैं स्वरूप सर से पूछना चाहूँगी कि ऑटिज्म में ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, साइंस है, जो कि एक पेरेंट्स अगर देख रहे हैं अपने बच्चे को तो उनको पता चल पाए कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म आम जब देखा जहाँ जो कि हम बोल सकते हैं स्वपरायणता और इसे विड्रॉल टेंडेंसी बिहेवियर फ्रॉम द एनवायरनमेंट और इट्स ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो जनरली गोटे एक बच्चा क्या करता है कि लाइक वन ईयर तक उसका डेवलपमेंट सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आफ्टर 1.6 एंड 1.8 ईयर्स बच्चे में कुछ कुछ स्पीच रिग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये पहला सिम्टम्स है। सेकेंड सिम्टम्स, वो अपना नाम को सुनता नहीं है,
ध्यान नहीं देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में अगर हम लोग कुछ सेंसोरी प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि बच्चे कोई टेक्टाइल हो या कोई पर्टिकुलर स्मेल या पर्टिकुलर साउंड को इरिटेशन होना, ऐसा भी बिहेवियर होता है। बार बार रिपीटेटिव एंड स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर शो करता है। और ऐसा ऐसा कभी बच्चे में देख पाया जाएगा, आपको 1.6 या 1.8 में ऐसा भी बिहेवियर मिलेगा कि बच्चा जो एकदम नॉर्मल बच्चे से होना चाहिए, कि कोई स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए या कोई बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा आपको समथिंग कहीं पे ना कहीं आपको एटिपिकल लगेगा। अगर ऐसा सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, समथिंग एटिपिकल फीचर्स आर देयर, तो आपको किसी भी स्पेशलिस्ट पास जाके उसी को सही सलाह ले के असेसमेंट करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगी स्मरणिका मैम से कि मैम, जैसे सर ने बोला डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स हम देख सकते हैं, बट उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो चीज़ नहीं हो पा रहा है तो वॉट शुड वी डू एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वॉट कैन वी डू? एक्चुअली आइडेंटिफाई तो फर्स्ट थिंग जैसे सर बोले कि पहले पेरेंट्स को ही आइडेंटिफाई करना चाहिए कि 1.5 इयर्स के बाद अगर कुछ बिहेवियर्स ऐसे लग रहा है कि हाँ बच्चे जैसे बुला रहे हैं तो वो नहीं सुन रहा है, और सपोज़ हम कुछ चेंजेस, अगर वैसे ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम होता है चेंजेस में, अगर वो कुछ चेंज हम कर रहे हैं, सपोज़ कुछ एरियाज चेंजेस किए या उनके जो भी सपोज़ उनका कुछ अरेंजमेंट्स को आप चेंज कर दिए तो उनमें उनको इरिटेशन आ जाता है। तो ये सब चीज़ जब देखते हैं कि हाँ सब कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है कि उसको क्यों इतना इरिटेशन हो रहा है और वो क्यों इतना रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसके बाद उनको एक मतलब ज़रूरी होता है कि एक प्रोफेशनल मतलब कंसल्टेशन की ज़रूरी होती है, तो वो आते हैं। अगर भी नहीं होता है तो पहले हम भी उनको, इसीलिए तो हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं पेरेंट्स के अंदर कि हाँ ये सिम्टम्स है, तो आप पहले मतलब जाके कंसल्टेंट को मतलब कंसल्ट कीजिए, एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लीजिए। तो पहले मतलब आइडेंटिफिकेशन पेरेंट्स का रहना चाहिए, उसके बाद जो भी टीम मेंबर्स हमारे अंदर रहते हैं तो उनका भी कोऑपरेशन चाहिए, और उसके बाद सपोज स्पीच का प्रॉब्लम है, वो आते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास, तो उसके बाद हमारा असेसमेंट टूल्स रहता है, बहुत सारा टूल्स रहता है जिसके थ्रू हम पहले डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो रहता है, पहले हम डेवलपमेंट देखते हैं, चेक करते हैं कि कितना डेवलपमेंट, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर देखते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज। सपोज ऑटिज्म का हम निकालते हैं, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल या गिलियन ऑटिज्म रेटिंग स्केल जो भी सब है, तो उसमें देखते हैं फिर सीवियरिटी कितना है। सिम्टम्स तो है, लग रहा है, मगर सीवियरिटी कितना है, सीवियरिटी सबका मतलब एक जैसा नहीं होता है, तो उसी के हिसाब से फिर हम प्लानिंग करते हैं उसका ट्रीटमेंट के लिए। प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ कॉमन है कि हम हमेशा चाहेंगे कि एक बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, जितने से जितने जल्दी हो सके एक बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई हो सके। बट पेरेंट्स को क्या लगता है ये कोई नहीं जानता, पेरेंट्स उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना भी चाहते हैं या उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। सो हमारे साथ आज हैं मिस पिंकी मैम, सो उनसे हम पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, एज मुझे जैसे पता चला है कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, तो उनका फर्स्ट क्या एक्सपेक्टेशन था, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे यहाँ पर अगर पेरेंट पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो दो चीज़ है, फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड, मेरा बच्चा, माई चाइल्ड इज़ नॉट नॉर्मल, ये इट इज़ अ वेरी हार्ड फैक्ट, बट द सूनर यू एक्सेप्ट द बेटर इट इज़ फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द मदर ऑल्सो, क्योंकि जितना जल्दी अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी हम उस पर काम कर सकेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको एक्सेप्ट करना है, ये टाइम लो, आपको बुरा लग सकता है, आपको जितना लगे रोना है, कुछ भी करना है, टेक योर टाइम, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट येस माई चाइल्ड इज़ नॉट नॉर्मल, माई चाइल्ड इज स्पेशल। देन द सेकेंड थिंग आता है एक्सेप्टेंस के बाद कि जब हम मान लें कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, फिर हाउ टू कट डाउन योर एक्सपेक्टेशन। हम ये नहीं कर सकते कि दो महीने में इतना कर ले, छः महीने में इतना कर लेगा, यस उसका एक पेस है, वो अपने पेस में चलेगा, ठीक है, दो साल ले सकता है, चार साल ले सकता है, या शायद कभी नहीं कर सकता है, शायद कभी ना ही बोले। अगर नहीं हुआ तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द ऑल्टरनेटिव्स,
ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट वे में देखेंगे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड और एक मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, हमेशा हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, उनका बच्चा इतना कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा है। सो ये हमको समझना कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, सो उसका पेस अलग है, मेरा चाइल्ड का एंड मेरा कंडीशन अलग है, मेरा एनवायरनमेंट अलग है, तो इस हिसाब से जितना हो सकेगा उतना करेगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये मेरा। और अगर कंपेयर करना ही है तो कंपेयर करो, हमसे भी बहुत ख़राब कंडीशन में लोग हैं, हम उनसे बेहतर है, हमसे अच्छे हैं, हमसे बुरे भी हैं, तो वो लोग अगर हैं तो हम भी सस्टेन कर लेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगी दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर से, यू आर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो हाउ कैन वी डील विद ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऐसा क्या रोल हम वहाँ पे कर सकते हैं एज बीइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को हेल्प कर सके? जो ऑटिज्म जो बच्चों में होता है उनका मेनली थ्री कार्डिनल साइंस होता है। एक सोशल इंटरेक्शन का डिफ़िकल्टीज होता है, और मतलब किसी के साथ वो मिल नहीं पाते हैं ठीक से, और एक है कि कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज होता है, वो जो भी सोचते हैं उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आइदर नॉन वर्बली या वर्बली। और एक है कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर, वो एक ही काम को रिपीट रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं। इसके साथ साथ और एक डिफ़िकल्टीज होता है सेंसोरी सेंसिटिविटी, सेंसोरी इंटरप्रिटेशन उनका डिफ़िकल्टीज होता है। किसी सेंसेशन को वो ज़्यादा रिसीव कर देते हैं, किसी को ठीक से परसीव नहीं कर पाते हैं, किसी का इंटरप्रिटेशन में कभी कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कभी कम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सेंसोरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शंस। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, किसी किसी मतलब हमारा जो नॉर्मल साउंड है किसी किसी को बहुत लाउड सुनाई देता है, और किसी किसी को पता नहीं चलता है ठीक से, और किसी किसी को वेस्टिबुलर सेंसेशन एक है जो कि हमारा मूवमेंट सेंसेशन करता है। इसीलिए कोई कोई बच्चा वेस्टिबुलर सीकिंग होते हैं, जो हमेशा ऐसे बैठते हैं, झूलते रहते हैं, या टर्न टर्न बोलते रहते हैं, या कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे फैन हो या कुछ स्क्रीन हिलता रहता है उसको देखते रहते हैं। तो ये सेंसोरी सेंसिटिविटी के वजह से भी उनका बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज होता है। सिर्फ बिहेवियर मतलब हमें इंटरप्रिट करना चाहिए कि बिहेवियर किसके वजह से आ रहा है। बिहेवियर आइदर ठीक से एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज के वजह से बिहेवियर आ सकता है, या सेंसरी इंटरप्रिटेशन फॉल्टी हो तो बिहेवियर आ सकता है, और या वो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में, इसके वजह से हो सकता है, या उनका जो न्यूरोकेमिकल डिसफंक्शन भी रहता है कभी कभी बच्चों में, जैसे कि न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मलिटी, डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल, मेलाटोनिन लेवल, इसके वजह से वो रात में सोते नहीं है, लेट में सोते हैं, या कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। और एक है कि फूड का इंटॉलरेंस, कभी कभी बच्चे जो कुछ कुछ फूड खा लेते हैं जो उनका ठीक से डाइजेस्ट होकर यूटिलाइज नहीं हो पाते, तो इसके वजह से बिहेवियर भी डिफ़िकल्टीज होता है। तो ये सबको मिला के हम सोचते हैं कि बिहेवियर जो डिफ़िकल्टीज है वो किसके वजह से आ रहा है, इसको पहले सोच के उसके बाद हम प्रॉपर इंटरवेंशन देते हैं। और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उसका मेन एक एम है कि ADL, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। अगर हमारा जो बच्चे के प्रॉब्लम है उसके वजह से वो अपना एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं वो ठीक से कर नहीं पाते, जैसे कि एक स्कूल गोइंग बच्चा, वो सुबह उठ के खुद प्रिपेयर होके खुद स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं, या सूट टाई करना, या शर्ट पहनना, या कुछ खुद खाना, ये सब ऑटिज्म जो बच्चे में होते हैं ये ठीक से कर नहीं पाते। उनको जो इंडिपेंडेंट डेली एक्टिविटीज़ के लिए वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिखाते हैं थ्रू टास्क एनालिसिस अप्रोच, और जो सेंसोरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन होता है, सेंसोरी प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए सेंसोरी इंटीग्रेशन थेरेपी के वजह से सेंसोरी इंटीग्रेशन थेरेपी देके और बिहेवियरली मॉडिफिकेशन करके ये सब मिनिमाइज करने के लिए मतलब ट्राई करते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। एक्चुअली क्या है कि ऑटिज्म एक कंडीशन है, एक डिजीज़ नहीं है जो क्योर हो जाए, इसलिए अभी तक ऑटिज्म का क्योरेबल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, उसको ट्रीटेबल करते हैं। पर वो जो ट्रीटेबल होता है उसका एज है, एक्चुअली 0 to 3 year एज को अर्ली इंटरवेंशन एज कहते हैं। तो इसी एज में अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो मैक्सिमम दिखा गया है कि 25% जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एडल्ट होने तक। तो ये फास्ट सोचना चाहिए कि कितना कम से कम टाइम में हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें, अर्ली इंटरवेंशन दे सकें, और इसके साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहिए। सो आई
आते हैं हम स्टूडेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जनरली हम अपनी जो डे टू डे लाइफ में, हम एज अ स्टूडेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैं बोल रही हूँ कि हम थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल लाइफ में क्या डिफरेंस है? हम पढ़ते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं, बट रियल लाइफ सिचुएशन में क्या डिफरेंसेस हम फेस करते हैं, हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? मोस्टली देखा गल कि ऑटिज्म पिलाकर सोशल बिहेवियर और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थाए, तो बहुत प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी जोटा को देखिए आइडेंटिफाई करता कि पिलाटा ऑटिज्म अच्छी कि नहीं, तो जमी कह गए सेल्फ इंजरियस जमीक निज हाथ को कामुड़ा बाड़ेबा एमती आक्टिविट कर गोटे जगह को कन्स्टाटली अनेक रही था क्या कथ के रेस्पन्स दिखती सहित एक्टिया रहा भल पाती सेमकर किसी कथबार्ता है से आई कंटाक्ट दे ना सहित पुणी से रिपिटेटिव बिहेवियर से मोस्टली यहाँ कमन आम देखा पाई था जोटा को आम आम टर्म इक्वल एलिया कही था जमीक आपण मन गोटे क्वेश्चन पचारे तुम ना कौन सी रिपीट करेंगे मो ना कौन मो ना या तो एमती रिपीट करके आंसर दे था सहित से स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर भी थाए आ बेसी मदर भॉइस मन को मदर भॉइस सुनने मैंने से इरीटेट लगे थाए कारण से म्यूजिक को बहुत पसंद करती ये सब बिहेवियर देखिए हमें आइडेंटिफाई कर पारे पिलाटर ऑटिज्म अच्छी कि नहीं तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ओके देखूँ जिते बड़े मैंने गोटे छुआ आम क्लिनिक को जिते बड़े आसला फास्ट तो तांकर आम केस हिस्ट्री नबा केस हिस्ट्री तांकर मदर्स कौन प्रॉब्लम था पेरेंट्स आरो किसी प्रॉब्लम था ना ना तो से गुटा जस्ट स्क्रीनिंग आम पचार बेसिकली असेसमेंट आम दुईटा प्रकार थाए गोटे स्क्रीनिंग आ गोटे डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग रे आम जस्ट जापर जे गोटे छुआर प्रॉब्लम अच्छी ना ना आउ डायग्नोस्टिक रे तार अच्छी जदि प्रॉब्लम तो सेटा केते सीवियर आउ तापे बेसलाइन को बेसलाइन केते के अच्छी आउ तार ट्रीटमेंट कौन हो पार तापर तो स्क्रीनिंग पे आम मोस्टली यूज कर चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल मॉडिफाइड चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल आउ DSM-4 DSM-5 क्राइटेरिया एगुड़ाक सब यूज करके आम जापर जे छुआर प्रॉब्लम मानने ऑटिज्म अच्छी ना ना तापर आम तार डायग्नोसिस जमीक ऑटिज्म बिहेवियर चेकलिस्ट कंपोजिट प्रोफाइल एगुड़ा यूज कर कार्स कि गार्स एगुड़ा सब यूज करके आम जापर जे पेसेंटर सीवियर केतिकी सीवियरिटी अच्छे तापर तार आम थेरापी प्लान कर तो यहाँ सरलापर आम बेसलैन कर सारापर तापर आम तर ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट मोस्टली पेरेंट्स जो मैंने आसती से मैंने मोस्टली कम्प्लेन करती जे छुआटा केबे कथा कह तो आमे तांको काउंसलिंग एया करिबा दरकार जे जदि गोटे छुआर देढ़ वर्ष दु वर्ष रु जदि तार अर्ली डायग्नोसिस हो पारा तो तार ट्रीटमेंटा मानने भल हो पार से 25% चाइल्ड डेवलपमेंट करते अर्ली डायग्नोसिस हो पारे बट जिते बड़े से डिले हो जाए पांच वर्ष पर क्रिटिकल एज जिते बड़े सरी जाऊँ से मानकर तो से डेवलपमेंटा बहुत स्लो हो जाए तो से हिसाब से हमें पेरेंट्स को काउंसलिंग करवा दरकार जे एली डायग्नोसिस जल्दी केमती करेंगे से माने ओके थैंक यू सो मच तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स कुछ बैठे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है पहले तो हमको पता नहीं था कि ये ऑटिज्म क्या है बच्चे को हमारा बच्चे को दो साल जब हुआ था छोटा छोटा प्रॉब्लम देखा है हम सोचा कि वो कुछ नहीं है बहुत सारे डॉक्टर से मिला मिलने के बाद वो बोला कि वो कोई प्ले स्कूल छोड़ दो वो आदत हो जाते हैं फिर दो साल तीन साल हो गया फिर से और दूसरा डॉक्टर मिला कोई ऑटिज्म उसके पास ऑटिज्म नहीं है लेकिन आप जो सीनियर मोस्ट थेरापिस्ट यहाँ पे बोला कि कुछ कुछ सिम्टम यहाँ इसका मिल जाता है लेकिन कोई जो डायग्नोसिस होने के बाद बोला कि ऑटिज्म नहीं है बाद में हम थेरापी भी दे रहे हैं अभी वो थेरापी हो रहे कुछ तो ठीक हो रहे हैं लेकिन वो मेन सवाल है हमारा पेरेंट्स के लिए कितना टाइम लगेगा वो एक इम्पोर्टेंट इशू क्योंकि बाय द टाइम स्कूल भी आज शुरू हो जाते हैं स्कूल टाइम भी शुरू हो जाते हैं तो टाइमिंग एडजस्टमेंट के लिए तो उस पर और फाइनेंशियल भी और की चीज़ है दो चीज़ मिला के पेरेंट्स सारी पेरेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि कितना टाइम लगा है दो साल हो गया तीन साल हो गया कोई कोई कुछ प्रोग्रेस भी वो सारी पेरेंट्स के बीच में डाउट हुए इसीलिए कि वो बोलते हैं कि ये थेरापिस्ट नहीं है उधर जा चला जाओ मेरा तो तीन महीने में हो जाए हुआ था आपका छः महीने क्यों हो गया वही सारी पेरेंट्स को बहुत क्वेश्चन आता है अच्छा नहीं लग रहा था बहुत दुख हो रहा था कि सारे बच्चे ठीक समय से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा बच्चा पीछे हो जाता है तो मुझे उसी उसमें थोड़ा बहुत दुख लग रहा है
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कैसे ठीक हो जाए और आगे बढ़े, तो यही मैं हर दिन भगवान से प्रेयर करती हूँ। लेकिन मेरी बच्चा हम जैसे पहले उनको जब सिम्टम दिखे थे तो हम सॉम हॉस्पिटल साइकेटिस्ट के पास भी लिए थे, उसको एक दिन भी पूरा मैंने काउंसिल किए तो वो ऑटिज्म नहीं है उनके, और भी उसके बाद अभी भी दूसरे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। तो और शुभेंदु सर जो है हमारा वो भी सर भी अचानक हमको मुलाकात हुई और वो भी हमको बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। उनको भी सेंसर प्रॉब्लम भी हुआ था, कभी भी वो दूध भी नहीं पी रहा था और कभी भी वो बचपन से आज तक साबुन भी नहीं लगा के नहा रहा था और भी बाल भी नहीं कटा रहा था। तो अभी वो तीन काम तो अच्छे से आज बोलेंगे साथ तो वो काल भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो शुभेंदु सर मेरे बच्चे के लिए जो प्रयास कर रहे हैं तो आगे भी ऐसे करेंगे तो मेरा बच्चा आगे जरूर बढ़ सकता है। और शुभेंदु सर को मैं थैंक यू दूंगी और मेरे बच्चे के साथ थोड़ा और भी वक्त बिताए।